में सुर्खियों में बने रहने वाली हैं। बिल्कुल आपको बता नमस्कार। कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव और भिंड अपर कलेक्टर राजकुमार छत्री और वही SDM भिंड रवि मालवीय और साथ ही भिंड सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और जनपद अध्यक्ष सरोज बघेल ये मौजूद रहे, उपस्थित रहे सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में। और साथ ही आपको यही बता दूं कि ग्राम पंचायतों में जिन पंचायतों में जो भ्रष्टाचार निकला है, जिन पंचायतों में जो रिकवरी निकली है, जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा जो पत्र जारी हुए हैं, लेकिन वो न तो अभी तक उन पंचायतों की रिकवरी हुई। जैसे ग्राम पंचायत पिपाड़ी में सचिव जो देवेंद्र सिंह तोमर है उनके ऊपर लाखों रुपए की जो रिकवरी निकली है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में जो पत्र जारी किए गए हैं उनको रिकवरी के, वो कहीं ना कहीं पत्र ही सवालों के घेरे में, क्योंकि वो रिकवरी ना तो अभी तक जमा कराई गई है और ना ही संबंधित सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सचिव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो भिंड में पंचायतों में लगभग ज्यादा ही भ्रष्टाचार हुआ है और अब तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। ना ही मुख्यमंत्री के जो कहा है उन्होंने कार्रवाई की जाएगी, ना तो उसका पालन किया जा रहा है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि वो कार्रवाई होती है नहीं है, या फिर भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले हमेशा कहीं ना कहीं कार्रवाई से अछूते रह जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और ना ही उन पर संबंधित थाने में मामला दर्ज होता है। वही एक अकेली प्रभारी पंचायत ही नहीं बल्कि गोहद जनपद के अंतर्गत तमाम ऐसी उप पंचायत है जिन्हें फर्जी तरीके से मनरेगा योजना में मस्टर डालकर और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। वही जो उपयंत्री मनकड़ी उपयंत्री होती है जो की नीचे अगर निचले स्तर के जो कर्मचारी है वो अगर फर्जी तरीके से बिल या मस्टर डालती है तो उनको वेरीफाई करने का काम भी एक सब इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। तो वही दीपक श्रीवास्तव जो की गोहद जनपद में सब इंजीनियर है, न तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई फर्जी मास्टर या अगर किसी भी व्यक्ति का फर्जी जॉब कार्ड बनाया जा रहा है मनरेगा योजना में तो कैसे बन रहा है, आखिर वो वेरीफाई तो वही होगा आगे। तो कहीं ना कहीं सब इंजीनियर की भी उनको भी सवाल घेरे में है, लेकिन अब तक किसी भी सब इंजीनियर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। समरण जी जी आदित्य, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।